बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, हम खैरियत से हैं। आइए चलिए देखिए आज हम कहाँ जा रहे हैं। आज हम आपको एक जगह लेकर चलते हैं। ये देखिए हम लोग घर से निकल रहे हैं, आप भी चलिए हमारे साथ। बरेली की गलियाँ घूम लीजिए। ये देखिए काफ़ी लोग समझ गए होंगे कि ये कौन सा एरिया है और हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं अपनी फूफी के यहाँ हकीके में, उनके पोते का हकीका है। ये देखिए हम पहुँच गए उनके घर। ये उनकी नानी के घर से सामान आया था, टॉयज़ वगैरह। ये देखिए उनका रूम बलून से डेकोरेट किया हुआ है। ये सब उनकी नानी के यहाँ से टॉयज, स्वीट्स, कपड़े, ये सब जो भी कुछ है वो सब आया हुआ है। हमने तो देख ही लिया था, हमने सोचा कि हम आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेते हैं। ये देखिए फ्रूट्स भी था। ये देखिए हमारे यहाँ पर हकीके में सारा सामान नानी के घर से आता है। आप लोगों के यहाँ कैसा होता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये देखिए उनके डोर के ऊपर ये सब बना हुआ था, ड्राई फ्रूट्स की एक लंबी सी लड़ी टाइप की बनी हुई थी, उसके नीचे टॉयज़ भी लटक रहे थे। क्या बोलते हैं इसको मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये अच्छा लग रहा था। उनका रूम इस तरह टाइप से डेकोरेट किया हुआ था। अब उनके गेस्ट भी आना शुरू हो गए थे। ये देखिए और कल मौसम भी बहुत अच्छा था, गर्मी भी बहुत कम थी। सभी लोग आ रहे थे। कल हम लोगों ने तो खूब इंजॉय किया। हमने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेते हैं, क्योंकि अब आप लोग भी हमारी फैमिली मेंबर ही हो गए हैं। ये उनका रूम है, रूम में ही सारे गेस्ट थे उनके। ये देखिए बाहर खाना वगैरह चल रहा था, कुछ लोग अंदर थे कुछ लोग बाहर थे। ये देखिए सारे गेस्ट आ चुके हैं। कल दिन में फंक्शन था उनके यहाँ दोपहर के टाइम। आप लोगों के यहाँ हकीका कैसा होता है मुझे कमेंट्स करके बताएं। सब जगह अपना अपना अलग अलग तरीके से होता है, हमारे यहाँ इस टाइप से होता है। ये देखिए बाहर खाना चालू था, मैंने सोचा आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर लेते हैं। ये रूम के अंदर का था और ये बाहर का है। रोड पर मंडप बनाकर खाना चालू था। हमारे यहाँ हॉल में भी होता है, और अगर घर के आगे जगह होती है, स्पेस होता है, तो वहाँ भी खाना कर लेते हैं। माशाल्लाह इनकी रोड पे बहुत बड़ा रोड है, इसलिए वहाँ खाना किया था। पुलाव था
और जर्दा था। आप लोग जानते ही होंगे जर्दा और पुलाव के बारे में, बहुत से लोग। खाना बहुत टेस्टी था। ये देखिए सभी लोग खाना खा रहे हैं। बहुत अच्छा फंक्शन रहा, सभी लोग ने बहुत एंजॉय किया। जेंट्स का अलग था, लेडीज़ का अलग था, क्योंकि हम लोगों के यहाँ पे थोड़ा पर्दा रहता है। जेंट्स अलग रहते हैं और लेडीज़ अलग रहते हैं। ये देखिए उनका रूम, ये रूम के बाहर का है, रूम अंदर साइड से है। ये इनका डोर है। ये जो मैं आपको बता रही थी कि वो टॉयज़ वगैरह लटक रहे थे, ये विंडो है। इसे क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन लग बहुत प्यारा रहा था ये। देखिए कैसा लगा आप लोगों को ये रूम, रूम के ये जो डोर के ऊपर लगा हुआ है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये देखिए स्कूल की छुट्टी भी हो चुकी थी, बच्चे जा रहे थे, और अभी भी खाना हमारे यहाँ चालू ही था। इस टाइम शाम के 3 साढ़े 3 बज रहे थे दोपहर के। ये आपको पार्टीशन दिखता होगा, एक साइड में जेंट्स और एक साइड में लेडीज थे। जेंट्स का हो चुका था और लेडीज का चला था अभी। खाना वगैरह खाने के बाद, फ्री होने के बाद हम अपने घर जा रहे थे। मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दें, घर वापस जाते हुए भी आप लोगों के साथ शेयर कर लें। ये देखिए ये रोड है हमारे यहाँ का। कैसी लगी आपको हमारा आज का व्लॉग? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।